पूरे इतिहास में भारत की छवि लगातार बदलती रही है, क्योंकि इसकी सीमाएं घटती बढ़ती रही हैं और संस्कृतियों के आपस में मिलने के बावजूद उनमें खींचतान चलती रही है। छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए लोगों के देश में तमाम मुश्किलों और फिर से उठ खड़े होने की चाहत से गुजरकर भारत ने अपना सिर उठाया। अब पहली बार सामने आई पुरानी फिल्मों से आप इतिहास की सबसे कमाल की कहानियों में से एक की दुर्लभ झलक देख सकते हैं। ये ब्रिटिश साम्राज्य का नगीना था जो आगे चलकर एक आजाद देश बना। पेश है भारत के बनने की कहानी, इंडिया इमर्जेस। उन्नीसवीं सदी का आखिरी दौर, भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा कर रहे लेखक मार्क ट्वेन ने इस इलाके से प्रभावित होकर लिखा, भारत में ही मानव जाति पली बढ़ी है, यही इंसानी बोली का जन्म हुआ है, इसे ऐतिहासिक गाथाओं और परंपराओं की दादी और परदादी कहा जा सकता है। मार्क ट्वेन ने 5000 सालों में विकसित हुए भारत की व्याख्या की थी। ये बात है 19वीं सदी की। भारत की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। ये भारत लगातार बदलाव के दौर में है। अब ये ताकतवर मुगल साम्राज्य द्वारा संगठित इलाका नहीं है। अपने सबसे अच्छे दौर में मुगल शासन उत्तर में अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर तक फैला था। हाल ही में मिली इस रंगीन फिल्म को 1930 के दशक में फिल्माया गया था। ये 16 मिलीमीटर की कोडक्रोम फिल्म है जिसे पूरी तरह हाई डेफिनेशन में बदल दिया गया है। ये मध्यकालीन भारत की एक झलक है जिसके ज्यादातर हिस्से पर मुगल राज करते थे। मुगलों का प्रभाव भारत के दक्षिणी दूर दराज के इलाकों तक कभी नहीं पहुंच पाया। यहाँ तक कि मध्य भारत में भी उन्हें अपना अधिकार जताने के लिए स्थानीय रियासतों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता था। पर उनकी विरासत आज के भारत में भी जिंदा है, जिसे देश भर में बने स्मारकों और इमारतों के बेमिसाल आर्किटेक्चर में देखा जा सकता है। और इन स्मारकों में सबसे मशहूर शानदार ताजमहल है। सन 1648 में मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम के मकबरे के तौर पर बना ताजमहल मोहब्बत की निशानी के अलावा भी काफी कुछ है। दुनिया का ये अजूबा ऐसे भारत का प्रतीक है जो कई सदियों की उतार चढ़ाव के बावजूद टिका रहा है और आज भी पहले की तरह ही शान से खड़ा है। ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के लफ्जों में, इस जहां में ये इमारत ऊपर वाले की अहमियत बताने के लिए बनाई गई है। सन 1862 में आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर की मौत के साथ ही मुगल सल्तनत का अंत हो गया। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता के दौर में ढेर सारी छोटी छोटी रियासतों, कबीलों और समुदायों का जन्म हुआ और शासन करने की ताकत में ऐसा खालीपन आया जिसे भरने में कोई कामयाब नहीं हुआ। सन 1903 ये भारत की कुछ सबसे पुरानी फिल्में हैं। इन्हें अमेरिकन इन्वेंटर और सिनेमा के पायनियर टॉमस आर्मैट ने फिल्माया है। इस समय तक भारत के लोगों पर विदेशी राज करते हैं, जिसका केंद्र आधी दुनिया के पार यूरोप के एक टापू पर है। अंग्रेज पहली बार सन 1608 में भारत आए थे। वो यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए थे। शुरू में वो लोग यहाँ पर केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, पर फिर समय के साथ साथ उनका उद्देश्य बदला, उनकी इच्छाएं बढ़ी और उनकी राजनैतिक आकांक्षाएं सामने आईं। दूसरा दिल्ली दरबार, ये ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन की अगुवाई में हो रहे समारोह के दृश्य हैं, जो इससे पहले कभी प्रसारित नहीं हुए। ये ब्रिटिश लोगों द्वारा भारत में सैनिक शक्ति का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है।
भारत में संसाधनों की भरमार है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन संसाधनों पर एकाधिकार करने के साथ साथ अपना सैनिक और प्रशासनिक प्रभाव भी बढ़ा लिया है। इसने स्थानीय लोगों के विद्रोहों को कुचल दिया है, जिनमें सन 1857 का सैनिक विद्रोह भी शामिल है। अब सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के राज घराने के हाथों में जाने वाली है। सन 1858 की अपनी घोषणा में तत्कालीन ब्रिटिश मोनार्क क्वीन विक्टोरिया ने कहा, हम भारत की स्थानीय रियासतों के राजाओं के लिए ये घोषणा करते हैं कि हम उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके नाम पर किए गए सभी समझौतों या अग्रीमेंट्स को स्वीकार करेंगे और हम उन्हें पहले की ही तरह जारी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि रियासतों के राजा भी ऐसा ही करेंगे। क्वीन की इस घोषणा का उद्देश्य ये जताना है कि वो सबको साथ लेकर राज करना चाहती है, लेकिन दराज जो इस कॉलोनियल ताकत का नया नाम है, अब दोबारा कभी भी भारत के लोगों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिटिश राज की सामाजिक और आर्थिक नीतियां हर कीमत पर भारत के लोगों को विदेशियों की सत्ता में लाने के लिए बनी थी। उन्हें डर है कि परिवर्तन सामाजिक उथल पुथल को जन्म दे सकता है, जिससे एक बार फिर सन 1857 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत, ये ब्रिटिश भारत के पश्चिमी हिस्से की बीकानेर रियासत का लालगढ़ पैलेस है। यह औपनिवेशिक भारत की 500 से ज्यादा रियासतों में से एक का नजारा है, जो कहीं और नहीं मिलेगा। ये इंपीरियल वॉर कैबिनेट में अकेले गैर ब्रिटिश प्रतिनिधि महाराजा गंगा सिंह की पोती के शाही विवाह का अवसर है। ये चमक दमक एक शानो शौकत वाली ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की झलक दिखलाती है, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी दिखावा है। अब भारत पर अंग्रेजों का राज है और ये दो प्रशासनिक सिस्टम्स में बटा हुआ है। भारत के 60% हिस्सों पर अंग्रेजों की हुकूमत चलती है, बाकी का 40% हिस्सा रजवाड़ों का है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौते कर लिए हैं। क्वीन विक्टोरिया द्वारा ब्रिटिश राज की घोषणा के महज 5 दशक बाद भारत की असली राजनीतिक सत्ता रजवाड़ों के हाथ से निकल गई है। इनके पास बस घटी हुई ताकत की यादें ही बची हैं। ये हैदराबाद की एक रियासत से मिले बाघ के शिकार के दृश्य हैं। ये मुश्किल से दिखने वाले विजुअल्स ओरिजिनल कला में हैं और इन्हें दक्षिणी भारत में कोंगारा कलान नाम के जंगल में फिल्माया गया है। स्थानीय राजा और अंग्रेज साथ मिलकर शिकार करते हैं। ये हाथियों पर शिकार के लिए निकलते हैं और उनके साथ ट्रेन शिकारियों और हथियारों से लैस सैनिकों की एक फौज होती है। ये लोग घेरा बनाकर शिकार करते हैं। इसमें जोखिम कम होता है और देखने वालों को मजा आता है। मौजूदा बिहार की एक रियासत बनेली के राजा के शब्दों में, इसमें शिकार इस तरह किया जाता था। जंगलों में बाघों को लुभाने के लिए भैंस के बछड़े बांध दिए गए। बाघ के छिपे होने की जगह को घेरने के लिए लगभग 50 हाथी भेजे गए। फिर घेरा तैयार हो जाने पर 2 हाथियों को उस घेरे में जाकर बाघ को छिपने की जगह से निकालने का हुक्म दिया गया। हाथियों के करीब आने पर बाघ बार बार गुस्से में हमला करता था। शुरू में ये बहुत रोमांचक था, लेकिन फिर बाघ थक कर लेट गया। रोज इस तरह के 2 या 3 घेरों के साथ मैंने सैकड़ों बाघों का शिकार देखा है। 20वीं सदी में बाघ का शिकार ब्रिटिश राज का प्रतीक बना रहा।
ब्रिटिश राज ने महाराजाओं को ऐसे समझौते करने के लिए मजबूर कर दिया है जिससे उनके ज्यादातर अधिकार खत्म हो गए। ज्यादातर रजवाड़ों को अपने दरबार में तैनात ब्रिटिश रेजिडेंट के दखल को झेलना पड़ता है। दर्राज ने भारतीय राजाओं की राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक ताकत खत्म कर दी और देखने में ऐसा लग सकता है कि बाघों की तरह रियासतों के राजा भी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत तक इनकी स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। दिसंबर सन 1911, दिल्ली दरबार। शुरुआती फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों में से एक चार्ल्स अर्बन ने किनेमा कलर नाम की एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने 2.5 घंटे की फिल्म बनाई जिसका नाम था विद आवर किंग एंड क्वीन थ्रू इंडिया। इस फिल्म में तीसरे दिल्ली दरबार के नजारे हैं जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द फिफ्थ के राज्याभिषेक के समय होने वाला एक सैनिक समारोह है। इस समारोह में सबसे अहम मौजूदगी सम्राट और उनकी पत्नी मैरी की है और इन्हें भारत का एम्परर और एम्प्रेस घोषित किया गया, लेकिन ये इस समारोह में होने वाली अकेली महत्वपूर्ण घोषणा नहीं है। ब्रिटिश भारत की राजधानी अब कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाई जाने वाली है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाए जाने के प्रस्ताव पत्र में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने लिखा, ये काफी समय से एक गंभीर असंगति मानी जाती है कि ब्रिटिश लोग अपने भारतीय इलाके के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित शहर कलकत्ता से इस देश पर शासन करते हैं, लेकिन कलकत्ता से राजधानी हटाने की यही एक वजह नहीं थी। सन 1905 में बंगाल के बंटवारे के बाद ये इलाका ब्रिटिश राज के राष्ट्रवादी विरोधियों का केंद्र बन गया था। सन 1911 के दरबार में सम्राट जॉर्ज द फिफ्थ द्वारा औपचारिक रूप से दिल्ली को राजधानी घोषित करने के साथ ही ये बात पक्की हो गई। अब दर्राज का एक नया युग शुरू होने वाला है। 1930 का दशक, दिल्ली। ये नए निर्माणों से सजी राजधानी के सबसे शुरुआती दृश्य है जिसे ये रूप दिया है ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लटियंस ने। इसे डिजाइन करने और बनाने में 20 साल से भी ज्यादा लगा और ये ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता के एक नए अध्याय का प्रतीक है। इसके बीचों बीच शानदार वाइसरॉयज हाउस है जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति का निवास बनेगा। हिस्टोरियन मालविका सिंह और रुद्रांशु मुखर्जी ने अपनी किताब न्यू दिल्ली मेकिंग ऑफ अ कैपिटल में बताया है कि लटियंस ने कितनी बारीकी से काम किया था। उन्होंने इंडियन ट्रेडिशंस का बखूबी अध्ययन किया, खासियतों और प्रतीकों की खोज की, स्थानीय निर्माण सामग्री की डायरेक्टरी तैयार की, धार्मिक और सेक्युलर दोनों तरह की कला और कारीगरी की खासियतों को जमा किया और इन सबको आपस में मिलाकर एक हाइब्रिड स्टाइल बनाने की कोशिश की। एक नई शानदार राजधानी का निर्माण ब्रिटिश राज की साम्राज्यवादी सत्ता के सबसे अच्छे दौर का प्रतीक बन गया। भारत अब धीरे धीरे लेकिन लगातार बदलने लगा है। 1930 का दशक, ब्रिटिश भारत के पूर्वी हिस्से की बंगाल रियासत। ये दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन है जिसे अंग्रेजों ने भारत पर अपनी हुकूमत के सबसे अच्छे दौर में सन 1879 में बनवाया था। बंगाल के न्यू, इसके बावजूद ये सवाल उठता है कि क्या आधुनिक सुधारों ने सचमुच भारतीयों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। इस समय तक भारत के लोग ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहते हैं। ब्रिटिश राज में सरकार में उनकी भागीदारी ना के बराबर है और ये आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई हालत में है। हिस्टोरियन आयरा क्लाइन ने लिखा है, अपने शुरुआती दौर में ही ब्रिटिश राज ने भारतीय उपमहाद्वीप में विकास के नए तौर तरीके स्थापित किए जिससे इंग्लैंड तेजी से प्रगति कर पाया और वहां के लोग संपन्न हुए।
पर क्लाइंट का एक सवाल है, फिर वेस्टर्न प्रोग्राम्स की कामयाबी ज्यादा बड़े पैमाने पर नजर क्यों नहीं आई, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज ने 20वीं सदी के मध्य तक भारत के ज्यादातर लोगों को गरीबी रेखा के नीचे कैसे पहुंचा दिया, जहां लोग मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं। 20वीं सदी के आगे बढ़ने के साथ ही अब तमाम भारतीय लोग गरीब से लेकर अमीर तक ये सवाल पूछने लगे हैं। अपनी दोस्त को लिखे एक पत्र में मैसूर रियासत के दीवान या प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल ने लिखा, मैं बढ़िया शिक्षा और हायर पोस्ट के साथ खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ, लेकिन कई बार मुझे बहुत निराशा होती है। मेरे स्टेटस और मेरी कामयाबियों के बावजूद लगभग सभी ब्रिटिश लोग मुझे अब भी अपने से नीचा समझते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि वो जिस भारत की बात करते हैं वो ब्रिटिश लोगों की बनाई हुई चीज है, और उनके जाने के बाद वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। भारत में लोगों का विचार फिर से बदलने लगा है, और इस बार वो अपने शासन पर विचार कर रहे हैं। इसने गांधी जी जैसे जाने माने नेताओं के लिए पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जमीन तैयार कर दी, और एक बार शुरू होने पर इस आंदोलन को रोकना मुश्किल साबित होगा। इस बीच ब्रिटिश साम्राज्य आधुनिक काल में सबसे हिंसक आंदोलन से गुजरने वाला है। बीसवीं सदी का शुरुआती दौर। ब्रिटिश हुकूमत एक बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति है, और भारत इस साम्राज्य के सबसे अहम नगीनों में से एक है। लेकिन यहाँ अब अशांति है, और ये 3 दशकों से पनप रही है। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में यहाँ की अशांति ने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया, और आखिरकार इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की बुनियाद पड़ी। इस संगठन का विचार सबसे पहले एक अंग्रेज नागरिक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने रखा था, लेकिन कांग्रेस भारतीय नेतृत्व वाला एक राजनीतिक संगठन है, जो ब्रिटिश राज में भारतीयों की समस्याओं का समाधान चाहता है। सन 1914 में ये भारत में ब्रिटिश राज के सबसे जबरदस्त राजनीतिक विरोधी के रूप में पनपा, लेकिन अब जंग की दस्तक सुनाई दे रही है। जुलाई सन 1914 से नवंबर सन 1918 तक पूरे यूरोप में जबरदस्त लड़ाई छिड़ी रही, जिसमें साम्राज्यवादी ताकतों के साथ साथ उनकी रियासतों ने भी भागीदारी की। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने एक गठबंधन बनाया, जिसमें बाद में अमेरिका, जापान और अन्य देश भी शामिल हो गए। इन्होंने साथ मिलकर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का सामना किया। ब्रिटिश भारत ने भारतीय सेना को जंग में उतारा। दुनिया में किसी उपनिवेश की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी में यहाँ के 12,70,000 सैनिक शामिल हुए। इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश और भारतीय सेना साथ मिलकर लड़ रही है। शौर्य का सम्मान करने में ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया। 15 भारतीयों को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। सिर्फ ब्रिटिश लोगों को दिया जाने वाला ये सम्मान प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। लगभग 75,000 भारतीय सैनिक मारे गए, और इनमें से कईयों ने विदेशी जमीन पर दम तोड़ा, और लाखों सैनिक घायल हुए। दिसंबर सन 1917, जेरूसलम। ये ब्रिटिश जनरल एडमंड एलन बी द्वारा डोम ऑफ रॉक पर सम्मान व्यक्त करने के दुर्लभ दृश्य है। इनके साथ भारतीय घुड़सवार सेना और लैंसर्स के 4 डिविजन्स हैं। भारतीय सेना फिलिस्तीन से तुर्कों को बाहर निकालने में कामयाबी का जश्न मना रही है। नवंबर सन 1918 तक जर्मनी ने समर्पण कर दिया और जंग खत्म हो गई, लेकिन कोई भी इससे सही सलामत नहीं बचा है। इस विश्व युद्ध ने जीतने वाले को भी उतना ही नुकसान पहुंचाया है जितना हारने वाले को। ब्रिटिश साम्राज्य को भी अपने देश में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सन
सन 1925 ग्रेट ब्रिटेन। इन अनोखी फिल्म आर्काइव्स में बायोकलर नाम की एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। क्लॉड फ्रीस ग्रीन ने जंग के बाद ब्रिटेन की स्थिति को दिखाने के लिए बायोकलर का इस्तेमाल किया। लंबी और बेरहम लड़ाई में सैनिक रूप से कामयाब रहने के बावजूद ब्रिटेन अब आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। ब्रिटेन को सुपर पावर बनाने वाली औद्योगिक क्रांति अब धीमी पड़ रही है। संपन्न लोग और धनी होते जा रहे हैं और गरीब लोग और भटिहार, जिससे उच्च वर्ग और कामगारों के बीच फर्क बढ़ता जा रहा है। सन 1926 में यानी पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के एक दशक के अंदर ब्रिटेन कारखानों, कोयला खदानों, बस, रेल और बंदरगाहों में काम करने वालों और बिजली और गैस के कामगारों की 10 दिनों की आम हड़ताल से ठप्प पड़ गया। प्रशासन ने इस आम हड़ताल को तो खत्म करवा दिया, लेकिन ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आगे आने वाले मुश्किल हालात का पहला संकेत है। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध के बाद के भारत में भी एक नई असंतुष्टि पनप रही है। जंग शुरू होने पर भारत के रजवाड़ों के साथ साथ ज्यादातर जनता ने लड़ाई में ब्रिटेन का साथ दिया था। भारतीय सैनिक अपनी मर्जी से अंग्रेजों के लिए लड़े थे और रियासतों ने युद्ध के लिए अपने खजाने खोल दिए थे। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के मुताबिक, भारत ने जिस उत्साह से युद्ध में मदद की है उसकी एकता और समर्पण ने ब्रिटेन को खुश कर दिया है। भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाले लोगों ने भी इस उम्मीद में युद्ध के समय अपना रुख नर्म कर लिया कि शायद लड़ाई में मदद के बदले अंग्रेज उन्हें आजाद कर दें। विश्व युद्ध खत्म होने के महज एक साल बाद ऐसा लगने लगा कि ये जल्दी ही होने वाला है। सन 1919 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। इस कानून से सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ गई। इससे पार्लियामेंट में दो हाउसेस की शुरुआत हुई और स्टेट गवर्नमेंट में कई अहम पद भारतीयों को दे दिए गए। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है। सेंट्रल गवर्नमेंट अब भी अंग्रेजों के नियंत्रण में है। रियासतों में भी टैक्स और लॉ एंड ऑर्डर जैसे अहम पदों पर अंग्रेज ही हैं। और फिर वक्त ने करवट ली। इस बार भारत का विचार एक अहिंसक आंदोलन से पैदा हुआ जो भारत के लोगों को आजादी की राह पर ले जाने वाला है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे जाने माने नेता और साम्राज्यवादी ब्रिटिश राज के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक मोहनदास करमचंद गांधी के खास दृश्य है। इन्होंने रंगभेदी मुल्क साउथ अफ्रीका में दो दशकों तक वकालत की है। जनवरी सन 1915 में ये भारत लौटे। साउथ अफ्रीका में रंग भेद के अनुभव ने इन्हें स्वराज के लिए आंदोलन करने की प्रेरणा दी। आप सबसे विनती है कि आप ब्रिटेन में बनी चीजों का बहिष्कार करें। भारत की आजादी के इस पहले आह्वान ने सिर्फ उच्च वर्गों को ही नहीं बल्कि हर वर्ग के भारतीयों को आकर्षित किया। सन 1920 तक गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभाल लिया और ये ब्रिटेन में बनी चीजों के बहिष्कार जैसी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों की अगुवाई करने लगे। सम्मान से लोग गांधी को महात्मा कहते हैं और इन्होंने अहिंसक विरोध की शुरुआत की। ये लगातार विरोध और अपने मत पर कायम रहने का ऐसा तरीका था जो आजादी की लड़ाई में बिल्कुल नया था। अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ गांधी भी भारत के विचार में सबसे जबरदस्त बदलाव की प्रेरणा देने वाले लोगों में से थे। ये एक स्वतंत्र और डेमोक्रेटिक नेशन का विचार था जिस पर यहाँ के लोग डेमोक्रेसी में शासन करें। मैं खुद को सिपाही मानता हूँ। हम
अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से इसे दबा दिया। सन 1930 में कांग्रेस ने सन 1882 के उस दमनकारी कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जिसमें नमक बनाने और बेचने पर भारी टैक्स लेने का प्रावधान था। मार्च सन 1930 के अपने एक पत्र में गांधी ने वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन को लिखा कि ये औपनिवेशिक सत्ता का एक कड़ा कानून है और भारतीय लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि मैं भारत में ब्रिटिश शासन को एक अभिशाप मानता हूं, लेकिन मैं अंग्रेजों को दुनिया के बाकी लोगों से बुरा नहीं मानता, और मैं ब्रिटिश शासन को अभिशाप इसलिए मानता हूं क्योंकि इसने लगातार शोषण वाली एक व्यवस्था और ऐसे खर्चीले सैनिक और नागरिक प्रशासन के जरिए करोड़ों भारतीयों को बदहाल कर दिया है जिसका खर्च ये देश नहीं उठा सकता है। इसने राजनीतिक रूप से हमें अंग्रेजों का गुलाम बना दिया है। इसने हमारी सभ्यता की बुनियाद खत्म कर दी है और हम कायर असहाय लोगों का देश बनकर रह गए हैं। मार्च सन 1930 ब्रिटिश भारत का गुजरात प्रांत नमक पर ब्रिटिश टैक्स का विरोध करने के लिए गांधी साबरमती में अपने आश्रम से दांडी में अरब सागर के तट तक पैदल यात्रा करने वाले हैं। वहां वो ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करके भारतीयों द्वारा खुद अपना नमक बनाने के एक आंदोलन की अगुवाई करेंगे। लॉर्ड अर्विन को लिखे गए अपने पत्र के अंत में उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव रखा। मैं जानता हूं कि आप मुझे गिरफ्तार करके मेरी कोशिश को नाकाम कर सकते हैं, लेकिन मेरे बाद हजारों लोग अनुशासित ढंग से ये काम करने को तैयार रहेंगे और नमक कानून का उल्लंघन करके वो उस कानून की सजा पाने के लिए तैयार रहेंगे जिसे कभी कानून की किताब में दर्ज ही नहीं होना चाहिए था। मैं आपको बेवजह मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अगर आप इस मुद्दे पर मुझसे आगे बातचीत करना चाहते हैं और इस पत्र को प्रकाशित नहीं होने देना चाहते हैं तो आपका टेलीग्राम मिलते ही मैं इसे रोक दूंगा। अर्विन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने गांधी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन इससे बिना डरे गांधी जी ने जेल में अनशन शुरू कर दिया। विरोध के ऐसे अनोखे तरीकों ने गांधी जी की महात्मा वाली छवि और भारत की जनता पर उनकी पकड़ को और मजबूत कर दिया। अक्टूबर सन 1931 ग्रेट ब्रिटेन। गांधी लंदन पहुंचे और ब्रिटेन की जनता उनसे बहुत सम्मान से मिली, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को अपने पक्ष में करना इतना आसान नहीं है। उस साल फरवरी में जाने माने राजनेता और आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले विंस्टन चर्चिल ने गांधी के बारे में लिखा, मिस्टर गांधी को देखकर मुझे बहुत घिन आई। ये मिडिल टेम्पल के एहसान फरामोश वकील है और अब पूरब के फकीर की तरह आधे कपड़े में ये किंग एम्परर के रिप्रेजेंटेटिव से बराबरी पर बातचीत करने के लिए वाइस रीगल पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। लेकिन गांधी जी की दिलचस्पी सिर्फ ब्रिटिश राज की नींव हिलाने में नहीं है। आजाद भारत के इनके सपने में ये भी शामिल है कि यहाँ के लोग अपने आप को पहचाने और अपनी सबसे पुरानी सामाजिक बुराइयों को दूर करें। पहले विश्व युद्ध के बाद के दौर में भारत में ब्रिटिश राज। गांधी जैसे नेताओं की अगुवाई में यहाँ के लोगों में देशभक्ति की लहर दौड़ रही है। गांधी ने भारत के लोगों को सिर्फ ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए लड़ने की ही प्रेरणा नहीं दी, उन्होंने उन्हें जाति, नस्ल, धर्म और लिंग के भेदभाव से भी लड़ने को कहा। सन 1932 ब्रिटिश भारत में दिल्ली से महज 160 किलोमीटर पूर्व में स्थित मुरादाबाद, ये यहाँ के उस दलित समुदाय के लोगों के कुछ दुर्लभ नजारे हैं जो हिंदू समाज में सबसे नीचे माने जाते हैं। ब्रिटिश भारत में दलित बहुत फटे हाली में रहते हैं। इनकी बस्तियाँ सबसे अलग थलग होती हैं और इन्हें ऐसे काम दिए जाते हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अशुद्ध है।
हिंदू समाज को नहीं मानने वाले पश्चिमी शासकों के होने के बावजूद ब्रिटिश राज के दौरान भी भारतीय समाज में छुआछूत जैसी बुराइयां मौजूद हैं। गांधी जी का मानना है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो छुआछूत जैसी बुराइयों को खत्म होना चाहिए। इन्होंने दलित समुदाय को एक नया नाम दिया, हरिजन, यानी ईश्वर के लोग। इसके साथ ही इन्होंने दलित समुदाय के लोगों के साथ खाने, मिलने जुलने और प्रार्थना करने जैसे सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले कामों की मदद से लोगों को समझाने की कोशिश की। गांधी जी का मानना है, अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे दलित के रूप में पैदा होना चाहिए ताकि मैं उनके दुख, उनकी तकलीफों और उनकी मुश्किलों को समझ सकूं, और शायद इससे मुझे खुद को और उन सबको उनकी बुरी हालत से आजाद कराने की प्रेरणा मिलेगी। ये उत्तर भारत में इलाहाबाद के नजारे हैं। तीन पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर बसा ये शहर हमेशा से आजादी की लड़ाई का केंद्र रहा है। इस शहर ने स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दिन देखे हैं, जब मोतीलाल नेहरू जैसे नरमपंथी नेताओं ने अपनी भारतीय पहचान कायम करनी शुरू की थी। ये मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान भी है, जो आगे चलकर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय चेतना की एक लहर की अगुवाई करते हैं। गांधी जी की तरह इन्होंने भी पश्चिम में वकालत की पढ़ाई की है। ये भारत की आजादी के पक्के इरादे के साथ अपने देश लौटे हैं। गांधी जी की तरह ये भी बुद्धिजीवी होने के साथ साथ लोकप्रिय जननेता भी हैं, और इन्होंने भी भारतीय जनता के बीच अपनी मजबूत जगह बना ली है। अपनी मशहूर ऐतिहासिक किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्होंने अपने देश के बारे में लिखा, बार बार विदेशी हुकूमत में रहने के बावजूद कोई इसके जोश को खत्म नहीं कर पाया, और आज भले ही ये एक विजेता के हाथों का खिलौना बना हुआ लग रहा हो, लेकिन अब भी इसने हार नहीं मानी है और इसका उत्साह कायम है। ये एक मिथ, विचार और सपना है, लेकिन साथ ही ये बहुत वास्तविक और जीवंत भी है। नेहरू और उनके पॉलिटिकल मेंटोर गांधी ने आजाद और सेक्युलर इंडिया का विचार सामने रखा, जिसमें हर नागरिक को बेसिक ह्यूमन राइट्स की गारंटी होगी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने लिखा, इंसानियत का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तोहफा किसी एक नस्ल या देश का एक अधिकार कभी नहीं हो सकता है। इसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, और ना ही इसे किसी कंजूस का जमीन में गड़ा खजाना माना जा सकता है। गांधी और नेहरू जैसे नेताओं ने ऐसे भारत का सपना देखा, जहां सभी भारतीय बिना किसी सांस्कृतिक और धार्मिक भेदभाव के मिलजुल कर रहे। लेकिन सबकी राय ऐसी नहीं है। दिसंबर सन 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल ने एक बिल्कुल नया विचार पेश किया। भारत विभिन्न नस्ल के लोगों का देश है, जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और जिनके धर्म भी अलग अलग हैं। उनका व्यवहार किसी एक नस्ल चेतना से तय नहीं होता। भारत के सांप्रदायिक समूहों की वास्तविकता को स्वीकारे बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए मुस्लिम लोगों द्वारा भारत के अंदर एक मुस्लिम भारत के निर्माण की मांग बिल्कुल जायज है। उन्होंने आगे कहा, मैं पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को एक रियासत के रूप में देखना चाहूंगा। ये ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर हो या उसके बाहर, लेकिन मुझे लगता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट का गठन ही मुसलमानों का भविष्य होगा, कम से कम उत्तर पश्चिम भारत के मुसलमानों का। ये पाकिस्तान के विचार का जन्म है, लेकिन ये कई सदियों से चले आ रहे तनाव का नतीजा है। सभी भारतीय अंग्रेजों से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन सांप्रदायिक तनाव का भारत के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा।
1930 के दशक के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन से आजादी की मांग लगातार तेज होती गई। इस पुरानी फिल्म में आप आजादी की लड़ाई का एक दुर्लभ नजारा देख सकते हैं। ये आंदोलन बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसे अपने भीतर ही गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटिश लोगों ने भारतीयों में फूट डालकर शासन करने के लिए इन्हीं धार्मिक और जातीय तनावों का फायदा उठाया। सितंबर 1932, गांधी जी ने ऊंची और नीची जातियों के लिए अलग अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व बनाने की ब्रिटिश नीति के विरोध में अनशन शुरू कर दिया। इस फिल्म में आवाज साफ न होने के बावजूद ये गांधी जी की सविनय अवज्ञा के दुर्लभ दृश्य है। सन 1938, ब्रिटिश भारत के उत्तरी हिल स्टेशन। ब्रिटिश राज के अफसर यहाँ छुट्टी मना रहे हैं। ये साहेब वाले अपने रुतबे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उर्दू लफ्ज साहेब का अर्थ है सर या मिस्टर, लेकिन ब्रिटिश राज में ये स्वामी या मालिक के ऊंचे रुतबे का प्रतीक है और इसका इस्तेमाल भारतीय लोग अंग्रेजों के लिए करते हैं। साहेब लोग ऐशो आराम और खास सहूलियतों वाली जिंदगी जीते हैं। इनमें से कुछ लोग बहुत अनमने ढंग से भारत आए हैं, जबकि कुछ लोग ब्रिटेन से भी ज्यादा भारत को अपना घर मानते हैं। 20वीं सदी के शुरू के 25 सालों के अंत में दुनिया एक बार फिर बदलने लगी है। इस बार ब्रिटिश राज पर इसका प्रभाव निर्णायक होगा। दो सौ वर्षों से ज्यादा समय से ब्रिटेन भारत पर राज कर रहा है। द राज अब तक देश में चल रहे आंदोलनों के साथ साथ पहले विश्व युद्ध से पैदा हुई मुश्किलों से भी लड़ने में कामयाब रहा है। पहले विश्व युद्ध के महज 20 साल बाद एक बार फिर जंग के बादल घिरने लगे। एक बार फिर यूरोपीय देशों के गठबंधन की अगुवाई के लिए ब्रिटेन को याद किया जाएगा। इस बार ये लड़ाई एडोल्फ हिटलर के जर्मन खतरे के खिलाफ है। ये लड़ाई पूरी दुनिया को चपेट में ले लेगी और किसी की भी कल्पना से ज्यादा तबाही मचाएगी। दूसरे विश्व युद्ध में जंग का मैदान यूरोप, प्रशांत क्षेत्र, अफ्रीका, अमेरिका, जापान, चीन, मिडल ईस्ट और भारत तक फैल जाएगा। ये इतिहास में सबसे जानलेवा युद्धों में से एक होगा, जिसमें 5 से 8 करोड़ लोग मारे जाएंगे और इनमें से ज्यादातर लोग आम नागरिक होंगे। नाजी फौज खत्म कर दी जाएगी और फासिज्म पर हमला होगा। जर्मनी और यूरोप के काफी बड़े हिस्से का राजनीतिक नक्शा बदल जाएगा। इस लड़ाई का ब्रिटेन के लोगों, उसके शहरों और उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ब्रिटेन अपना पूरा ध्यान और अपने सभी संसाधनों को खुद को फिर से मजबूत करने में लगाएगा। भारतीय लोगों के लिए दूसरा विश्व युद्ध आजादी के लिए जोर लगाने का एक अच्छा जरिया साबित होगा। आजादी की इसकी मांग लगातार तेज और मजबूत होती जाएगी। दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक दुनिया का नक्शा काफी हद तक बदल जाएगा। आयरन कर्टन पश्चिमी जगत को विभाजित कर देगा। ताकतवर देशों का पतन हो जाएगा और उनकी जगह नए देश बनेंगे। द राज जैसी साम्राज्यवादी ताकतों का सूरज